खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर समाजवादी पार्टी की नेत्री सना परवीन ने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर बड़ा बयान दिया है। सपा नेत्री ने सांसद निरहुआ को घमंडी बता दिया। दरअसल कल आजमगढ़ में केंद्रीय बजट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ महंगाई के मुद्दे पर पूछे गए पत्रकारों के सवाल पर भड़क उठे। उन्होंने पत्रकारों को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बता दिया, जिसको लेकर पत्रकारों में आक्रोश भर गया। सांसद निरहुआ ने पत्रकार को देश से बाहर विदेश जाने की सलाह दी और कहा कि जाकर देखिए कि हमारे देश की तुलना में दूसरे देशों में कितनी महंगाई है। सपा नेत्री सना परवीन ने कहा कि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि विदेश जाकर देखिए कि कोविड के बाद पूरे विश्व में स्थितियां किस तरह से बिगड़ी हैं। पड़ोसी देशों सहित अन्य देशों में महंगाई 60 गुना बढ़ चुकी है। भारत में स्थिति बहुत नियंत्रण में है। सांसद निरहुआ यही नहीं रुके, पत्रकारों द्वारा आंकड़े के साथ महंगाई बढ़ने के सवाल पर उन्होंने पत्रकारों को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बता दिया। सांसद निरहुआ के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी की नेता सना परवीन ने पलटवार करते हुए निरहुआ पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि हमारे आजमगढ़ के सांसद एक जनप्रतिनिधि के रूप में खड़े नहीं उतर पाए हैं, समाज सेवा के लायक नहीं है। यह आजमगढ़ का दुर्भाग्य है कि उनके इतना कम अक्ल सांसद मिला है, जो विकास की बात ही नहीं करता, सिर्फ अनर्गल बयानबाजी करता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इसी को कहते हैं कि लंगूर के हाथ में अंगूर। सना परवीन ने आगे कहा कि आंधी में आम पा गए तो उनको लगता है कि पूरा बगीचा उन्हीं का है, वही समय घमंड में चूर हैं, उन्हें पता नहीं है कि घमंड में हस्तियां और तूफान में कश्तियां अक्सर डूब जाया करती हैं। लंगूर के हाथ में अंगूर, तो हमारे जो सांसद हैं आजमगढ़ सदर से, उनको लगता है कि वो आंधी में आम पा गए हैं तो पूरा बगीचा उनके बाप का है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पर भी टिप्पणियाँ करते रहते हैं और वो इस वक्त घमंड में चूर हैं। उनको ये नहीं पता है कि घमंड में हस्तियाँ और तूफान में कश्तियाँ अक्सर डूब जाया करती हैं। और मैंने कल उस वीडियो को देखा था, एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ होता है, उन्होंने समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि बता दिया। मुझे बहुत इस बात का दुख है और मैं सांसद जी से पूछना चाहती हूँ, एक बात उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग हिंदुस्तान से बाहर जाइए और देखिए वहाँ पे महंगाई का हाल क्या है। मैं सांसद जी से पूछना चाहती हूँ कि बेरोज़गारी आपके उत्तर प्रदेश में क्यों इतनी बढ़ गई? नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। शिक्षा पे आपके महाराज जी कोई बजट नहीं पेश कर रहे हैं, शिक्षा पे उनका ध्यान ही नहीं है। इसलिए कि जब शिक्षा से ये भटका देंगे, 5 किलो गेहूं और चावल देकर शिक्षा से जब दूर कर देंगे, तो ये इन लोगों की कलम नहीं चल पाएगी, जबान नहीं चल पाएगी। तो सांसद जी हमारे इस तरीके का अनर्गल बयान हमेशा देते रहते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। आपको भी पता होगा कि एक बार उन्होंने भगवान के लेख को भी मिटाने की बात कह दी थी। तो ये हमेशा अपने आप को सबसे ज्ञानी समझते हैं और जब कोई ज्ञानी अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है, मैं समझती हूँ कि वो दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी है। इनको महंगाई पे बात करना चाहिए, बेरोज़गारी पे बात करना चाहिए। आप बताइए, हिंदुस्तान से बाहर जाने की बात करते हैं, जो गांव में हमारे किसान बसता है, मजदूर बसता है, कमज़ोर हमारे गाँव में रहते हैं, आप बताइए कि हमारे किसान हल चला कर अन्न उगाने का काम करते हैं, हम अपना पेट भरते हैं, हमारा भी पेट भरने का काम करते हैं। वो किसान यहाँ से विदेश जाएगा उसकी हैसियत नहीं है, ये घूमते हैं। मैं मानती हूँ कि हाँ, हमारे सांसद निरहू जी एक अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कलाकार के रूप में मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में वो खड़े नहीं उतर पाए हैं, वो समाज सेवा के लायक नहीं हैं। और ये हमारे आजमगढ़ का दुर्भाग्य है कि उनको इतना मूर्ख है और इतना घमंडी और इतना कम अक्ल सांसद मिला है, जो विकास की बात नहीं करता है, सिर्फ अनर्गल बयान देता है।